आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि पुराने सालों में कई बार हर एक पेपर में जो पूछे गए हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो मैंने एक जगह सबको नोट कर लिया है, अब मैं आपको सारा सब कुछ बता रही हूँ, सारे को आपको भी नोट कर लेना है। ओके चलो सबसे पहले क्या है आर्टिकल नंबर 52। और हाँ एक मैं चीज़ ये बता दूँ, आर्टिकल 1 से लेकर के जैसे मतलब जो आपका यूनियन है उसके बाद है सिटीजनशिप, उसके बाद है नागरिकता है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद आता है DPSP, तो यहाँ तक के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो उसको मैं एक साथ सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगी और बाकी इसको छोड़ के जो बीच बीच के सारे आर्टिकल्स हैं 365 तक के वो मैं एक साथ बता दे रही हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। ठीक अब देखो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 52। ये किसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत में क्या होगा एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या बताता है, प्रेसिडेंट का चुनाव बताता है। और ये जो 54 है ये मैनर ऑफ इलेक्शन बताता है मतलब जो इनका चुनाव है वो किस तरीके से होगा उसका मैनर क्या होगा वो बताता है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 61 क्या बताता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब इम्पीचमेंट क्या है, प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना इम्पीचमेंट किस में है 61 में है। 74 इसमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड और एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती चाहिए। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके बारे में कहाँ पर है बात 76 में। 79 इसमें क्या है, संसद के बारे में इसमें बात मिलती है संसद। ओके 80 में क्या है और 81 में, तो 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा, दोनों को याद रखिएगा। 108 इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है, कौन होती है ज्वाइंट सिटिंग होती है और ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में दिया गया। 108 में ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है जैसे अभी प्रेजेंट में कौन है ओम बिरला जी हैं, तो ये क्या करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को हेड करेंगे। 110 में क्या बताता है, मनी बिल बताया जाता है, मनी बिल किस आर्टिकल में 110 में है। 112 में क्या बात है, बजट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बजट के शब्द के जगह पर क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं। तो बजट हम आम भाषा में बोलते हैं लेकिन ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है 112। तो देखो 12 बजट, 12 बजट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है 124 इसमें क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 148 ये बताता है कैग के बारे में, क्या है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसके बाद 151 तो कैग जो है जिनकी जो रिपोर्ट होती है वो ऑडिट की जाती है। ठीक है तो मतलब क्या होता है कि कैग का काम क्या होता है, किसी भी रिपोर्ट को क्या करना ऑडिट करना। तो आपसे ये पिछली बार सीजल ने पूछा था कि जो कैग है उसका कार्य किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो इनका कार्य क्या होता है रिपोर्ट को ऑडिट करना और ये बात किस में लिखी गई 151 में लिखी गई, तो आंसर यह हो जाएगा 151। ये हो गया इतना आर्टिकल, अब चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद 148 के बाद जो आगे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ते हैं, क्या है 200 आर्टिकल नंबर 200 201 202। तो 200 में है एसेंट टू बिल, एसेंट टू बिल कौन देगा, गवर्नर, कहाँ पर ये बात चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है ये जो है सब स्टेट गवर्नमेंट की बात है। 201 इसमें क्या है, 201 में है कि जो गवर्नर है वो बिल को क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा कंसिडरेशन के लिए, किसके कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, किसी भी बिल को रिजर्व करने का आर्टिकल कौन सा है 201 किसके लिए, गवर्नर के लिए राज्यपाल के लिए, कहाँ पर बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है। 202 ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसमें स्टेट के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन स्टेट में भी तो अपना अपना बजट आता है ना, तो मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो है 202 नंबर का। अब 214 ये है हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट आप देखते हैं वो है उसके लिए आर्टिकल 214। प्रेजेंट में भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं, 25 हाईकोर्ट हैं। 226 ये क्या करता है, जो हाईकोर्ट है वो क्या करता है रिट को जारी करता है, कौन से आर्टिकल के तहत 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट अपने रिट को किस आर्टिकल के तहत जारी करता है आर्टिकल नंबर 32, यह अभी मैंने आपको फंडामेंटल राइट में बताया था। 243 ग्राम पंचायत की बात करता है, पंचायत ओके, लेकिन अगर 243 के की बात हम करें तो ये बताता है इलेक्शन कहाँ पर, ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं वो कहाँ पर मेंशन है 243 के।
266 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, और उसके बाद 267 कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड। ठीक है, अगर कंटेंजेंसी फंड से आपको पैसा लेना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पैसा लेना चाहती है, तो इसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करानी होती है। और आपसे ये सवाल पूछा गया है पेपर में, आर्टिकल नंबर 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक, और 315 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी, क्या है यूपीएससी और स्टेट पीएससी बोलो चाहे पीसीएस बोलो, 324 में क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 343 इसमें क्या दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब देखिए 351 में क्या दिया गया है डायरेक्टिव्स, क्या लिखा गया है डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, या फिर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी लैंग्वेज के लिए बात किसमें कही है, तो आर्टिकल नंबर 351 में। अब इसके आगे देखिए कौन कौन से ये और चार बच गए हैं, 368 क्या बताता है अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अमेंडमेंट किया जाता है वो कौन से आर्टिकल से किया जाता है, 368 से किया जाता है। 317 ये बात आती है जम्मू कश्मीर के लिए, 371A किसके लिए आता है नागालैंड के लिए, ये सभी पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, तो ध्यान से सबको पढ़ लीजिएगा। 371F किसके लिए आता है सिक्किम के लिए आता है, किसके लिए आता है सिक्किम के लिए। तो ये सभी आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा इनको और वीडियो को अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, देख लीजिए सारे पूछे गए सवाल हैं, तो सभी मैंने आपको बता दिया है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम मैंने आपको अभी कहा कि मैंने प्रेसिडेंट से स्टार्ट किया है आर्टिकल्स को आगे जो इम्पोर्टेंट थे, इसके पहले जो देखो फंडामेंटल राइट वाले सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, बच गया कौन सा पार्ट वन वाला आर्टिकल, जो भाग एक का आर्टिकल है वो, भाग दो का आर्टिकल बच गया है और डीपीएसपी का आर्टिकल बचा है, तो ये सभी उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे, ओके। और फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता दिया, तो उसमें आपका वो वाला आर्टिकल कवर हो जाएगा और बाकी सब आपने पढ़ लिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ओके।